नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। बात करते हैं पंजाब की। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता बिल में संशोधन किया गया था, जिसको लेकर पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है। आज मोगा में भी मुस्लिम वेलफेयर क्लब द्वारा अलग अलग संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक शांति मार्च निकाला गया। ये शांति मार्च ईदगाह से शुरू होकर अलग अलग बाजारों से होते हुए मोगा के जोगिंदर सिंह चौक पर पहुंचा, जहां एक घंटे तक मुस्लिम भाईचारे द्वारा रोष प्रदर्शन कर अपनी आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं मुस्लिम भाईचारे ने देश के राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि इस बिल को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। इस रोष मार्च में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोगा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुस्लिम वेलफेयर क्लब के चेयरमैन सरफरोज अली ने बताया कि भाजपा सरकार ने नागरिकता बिल में संशोधन किया है। भारत के इतिहास में पहली बार धर्म के आधार पर कानून बनाया गया है, जबकि एक धर्म को इस बिल से बाहर रखा गया है, जिसको लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिवें कि सब नूं पता है, पूरे हिंदुस्तान च NRC ते CAA नूं लै के प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरह असीं आपदा टीचा उलीकिया कि मोगे जिले में हर हल्के असी यह रोज़ प्रदर्शन करांगे। तो जिहड़ी साडी पब्लिक है, मुसलमान भरा, साडे सिख भरा, हिंदू भरा, ईसाई भरा, असी सारिआं नूं NRC ते CAA नूं लै के जागरूक करांगे। जिहड़ा यह काला कानून CAA दा हैगा, ये कल्ला मुसलमाना लई नहीं है, ये सारिआं लई माड़ा, ये सारे धर्मां लई माड़ा। क्योंकि जदों प्रूफां दी गल आउंदी आ, तां जिहड़े प्रूफ गौरमेंट मंग रही है 1970 तों पहलां दे, ये मेरे ख्याल नाल 50% इंडिया दे लोग भी पूरे नहीं कर सकते। तो इस बाबत जदों NRC लिस्ट में उन्होंने सारिआं तों सबूत मंगे, तो मेरा ख्याल है कि 50% तो ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों नूं NRC लिस्ट चो बाहर कढ दिता जाऊगा। तो उन लोगों बेचारियां दा होऊ की? वो डिटेंशन सेंटर जाएंगे, वो पाकिस्तान जाएंगे? जे डिटेंशन सेंटर जाएंगे तो मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने क्लीयर नहीं किया भी जेडे डिटेंशन साहब तो आने वाला जो खर्चा हैगा, वो खर्चा कितों आऊगा? वो तो आम लोगों के जेडे टैक्स पेयर्स है इंडिया के, वो तो उन्होंने जेब चो जाऊगा। तो जेडे लोग होणगे, उन्हों का खर्चा कौन चकूगा? गौरमेंट चकूगी। तो इस लैके अज असी कोटी सिखां विखे, असी कोटी सिखां की मस्जिद चो पैदल शांतिपूर्वक अमनो अमान नाल असी ये प्रोटेस्ट पैदल चल के असी कोटी सिखां चौंक विच पहुँच के बड़े शांतिमय ढंग नाल अपना विरोध प्रदर्शन किया है। तो नाल ही राष्ट्रपति साहब नूं इत्थों दे तहसीलदार साहब के थ्रू असी आपदा मंग पत्र दिता है कि असी इस काले कानून दे पुरजोर विरोधी हाँ। या तो इस कानून विच मुसलमान भाईचारे का ना पाया जाए, या फिर इनू खारिज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कई शहरों के आगजनी भी हो रही है, तोड़फोड़ भी आ रही है। ये बहुत वधिया सवाल पूछा जी। जिहड़ा आगजनी ते तोड़फोड़ का मसला हैगा, ये तुहानू पता, जो ये गोदी मीडिया कर रही है, किसी भी चैनल ते ये नहीं दिखाया जा रहा कि वो जिहड़ी आगजनी कौन कर रहा, जदों कि सोशल मीडिया के राही तुहाडे अगे भरावां दे जर्नलिस्टां दे जिहड़े कि देश दे हक विच खड़े आ, उन्हां राही साडी सारे हिंदुस्तानियों नूं पता लग रहा कि उत्थों दा पुलिस प्रशासन जिहड़ा हैगा वह गड्डियां नूं तोड़ रहा है, वह गरीबां दे घरे जा के उन्हां दे समान नूं नेस्तो नाबूद कर रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि घर विच औरतां ने, वो औरतां नाल गलत सलूक कर रहे ने, उन्हां नूं कह रहे ने कि ये जिहड़े मकान है साडे आ, तुसीं इत्थों निकल जाओ। इस नफरत भरे जो भी इन्हां ने काम शुरू किया, इसका मुजाहरा सानू परसों देखने मिलिया, जदों कि MP विच साडे सिख भरा उत्थे जिहड़े कि एक पिंड विच शोहपुर डिस्ट्रिक्ट विच रह रहे सी, उन्हां दे लोकल बंदिया ने सारे घरां नूं उन्हां दे तोड़ दिता गया, तो उन्हां नूं कहा गया तुसीं MP छड्ड के वापस पंजाब चले जाओ। तो नफरत हौली हौली पूरे हिंदुस्तान च फैल रही है। तो उस तो अलग एक बहुत ही वधिया जिहड़ी उदाहरण साडे पंजाब विच मोगा जिले विच माशी के पिंड विच दर्शन सिंह जी, जो कि सिख परिवार नूं बिलोंग करते हैं, उन्होंने आपकी जमीन विच्चों 16 मरले जगह, जदों कि अज के टाइम कोई एक मरला भी नहीं छड़ता, 16 मरले जगह मुस्लिम परिवारों नूं मसीत लई समर्पित की है। देखो जी, ये साडे पंजाब का हाल, असी सारे अमनो अमान नाल इकट्ठे रहिंदे आ, पर यह चल UP चो सिलसिला चलता होया MP तक फैल गया, हुण हौली हौली ये दिल्ली तक पहुँच रहा। दिल्ली भी जामिया विच जो होया सब नूं पता है। इस करके अज असी इकट्ठे होए हैं, तो असी CAA ते NRC का पुरजोर असी इहदा विरोध करते हैं। साडी मंग है जी, जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट विच
सिख भाईचारे हिंदू भाईचारे वो पारसी बौद्ध जैनी जिन्हें छः भाईचारे आप ऐड किए हैं उस तरह मुसलमान भाईचारे भी संविधान के जो अपना संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 14 ते 15 है वो हिसाब न इसका धर्म के आधार पर जोड़ा ये कानून नहीं बनाया जाना चाहिए सी मुसलमान भाईचारे इस शामिल किया जाए तो जिन्हें बाकी भाईचारे इस शामिल किए असी सारिया का अभिवादन करते हैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पंजाब से विपन उकारा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक नमस्कार।